हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग का चैनल। तो भाई लोग, आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे जन को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करो, उसका भी लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो भाई आज की इस वीडियो में जाएंगे यार, अपना एक दोस्त है उसका भाई अर्जुन ट्रैक्टर 4x4, वो आलू की ट्रॉली जो लेके आ रहा था ना, तो भाई उसका ट्रैक्टर जो फंस गया है, मतलब खेत से थोड़ी दूर हुई पे आने भाई, मतलब कि खेत से चला और भाई दूसरे खेत में आ जाके फंस गया है। तो मुझे फ़ोन कर रहा हूँ और भाई सुबह का टाइम है, अभी 6 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं भाई। और अपनी भाई कंपाइन भी लगी है वहाँ पे मक्के पे, वहाँ देख सकते हैं हेल्पर मैंने लगा रखा है, सामने दिख रही होगी भाई। तो रात को भाई आपको पता ही था, तो फिर लाइटें साइटें भाई मैंने घर पे रिपेयर कर ली सुबह तड़के, और भाई मशीन को लगा दिया काम पे। तो आज भाई उसका जो ट्रैक्टर निकालने जाना है, तो फिर तो मैंने सोचा चलो फिर निकाल आते हैं। तो भाई 855 लेके चलते हैं। अरे पीटीओ हट गई। ओके तो भाई ये हो गया, ट्रैक्टर को करते हैं स्टार्ट। तो भाई चैनल को यार आप सब्सक्राइब नहीं करते, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। और कल के लिए भाई सॉरी यार, कल बाद भाई ऐसे हुई कि मैं OBS से रिकॉर्ड कर रहा था यार गेम प्ले, तो OBS से काफ़ी लैग कर रहा था, मैंने देखा नहीं भाई, अपलोड कर दिया, क्योंकि आपको पता ही भाई काम में इतना बिजी भाई, वीडियो में देखता नहीं, तो उस वजह से अपलोड कर दी वीडियो। तो भाई उसकी सॉरी यार, मुझे भी पता नहीं लगा कि वो वीडियो ख़राब है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा भाई, मैं अब दूसरे सॉफ्टवेयर से या जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, टॉप गियर डालते हैं। तो खेत में है भाई उसका ट्रैक्टर, रात में फंसा था, तो सुबह सुबह भाई उसने मुझे फ़ोन कर दिया सुबह सुबह ही कि भाई उसने मंडी जाना लेके अर्जुन। तो चलते हैं भाई, क्या कंडीशन है देखते हैं जाके। अभी टॉर्चर वगैरह वहीं पे बाइंग करेंगे। एक तो रास्ता भाई यहाँ से दिख रहा है क्या ट्रैक्टर उसका, और अपना भाई घास वगैरह भी जो काटने वाला हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और भाई आप आजकल यार वीडियो बिल्कुल देखते नहीं भाई, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं यार, तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और भाई व्यूज़ ना आने की वजह से यहाँ पे भी भाई अपनी फसल लग गई है। तो भाई रास्ता है कहाँ से यार इस तरफ, वो सामने ट्रॉली दिख रही होगी आपको, सुबह सुबह का टाइम है भाई, धुंध वगैरह पड़ रही है यहाँ पे। तो सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, वीडियो रोज़ देखा करो यार भाई। YouTube पे तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा भाई। अगर आप YouTube पे सोच रहे हो ना कि अपना काम वगैरह छोड़ के YouTube पे आऊँ, तो फिर भाई मत आना, अभी भी बोल रहा हूँ मैं मत आना भाई, क्योंकि YouTube पे भाई कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है भाई, खर्चे भी पूरे नहीं होंगे। और बताओ अगर आप YouTube भाई छोड़ोगे, YouTube पे आओगे सब कुछ छोड़ के, ये है कि पार्ट टाइम कर लो कोई चक्कर वाली बात नहीं है उसमें, कोई नहीं। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं नौकरी पढ़ाई वगैरह छोड़ के YouTube पे ही काम करूँगा, तो फिर ऐसा नहीं भाई। एक तो भाई जब शुरू में चैनल चलता है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आपका कंटेंट है जो काफ़ी अच्छा है, दूसरों से अलग है, फिर तो भाई आपका चैनल चलेगा, और ये चलेगा, और भाई चलने के बाद है तो फिर भी फ़ायदा नहीं होगा आपको, अभी बता रहा हूँ, तो क्योंकि YouTube पे भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो अब एक ही जैसे ने भाई कई चैनल है, तो फिर तो अभी बोल रहा हूँ भाई मत आना YouTube पे, आगे आपकी मर्जी है। अर्निंग भाई इतनी है नहीं YouTube पे, कमाई वगैरह भाई आजकल नहीं होती है, सच भाई बोल रहा हूँ मैं, किसी से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप भी पैसे कमाओ, ये जलता है तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। आपने मेरी YouTube की अर्निंग देखनी होगी, वो भी दिखा दूंगा भाई मेरा। तो सबसे भाई मैं कोई नहीं डाल दूंगा भाई स्क्रीनशॉट Instagram पे, तो झूठ नहीं बोलूंगा भाई, 15-20 हज़ार से यार कुछ नहीं बनता है भाई, कुछ नहीं। फिर भी चलो मैं घर पे नहीं हूँ, अगर भाई मैं दूसरा काम भी करता हूँ, ये YouTube तो मेरे पार्ट टाइम जॉब है आपको पता ही है, अगर मैं सब कुछ छोड़ के भाई यही काम करूँ, फिर भाई मेरा कुछ नहीं बचेगा, बिजली का बिल भाई, ये स्टेयरिंग का खर्चा, और भाई आपको पता ही है मेहनत, तो फिर 15 हज़ार में भाई आजकल महंगाई कितनी हुई आपको पता ही है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी आगे, क्योंकि आजकल भाई मेरे जो भाई व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं आपको पता ही है,
5,000 व्यूज़, 3,000 व्यूज़, तो मुझे भाई 5,000 व्यूज़ का $1 बनता है, जो मेरा भाई आरपीएम है, 5,000 व्यूज़ होंगे, $1 बनेगा, $1 का रेट होगा भाई 60 रुपये या 74 रुपये, तो दिन में भाई फिर 100-150 रुपये में ही यूट्यूब से ही कमाता हूँ, 100-150 रुपये भाई क्या बनता है, 100 रुपये लीटर तो तेल है भाई, तो लगा लो हिसाब फिर कि कहाँ पर बात जाती है। कुछ नहीं रखा भाई यूट्यूब पे, आगे आपकी मर्जी भाई, देख सकते हैं मैं तो भूल गया यार, ये देखो भाई यहाँ पे फंसा हुआ ट्रैक्टर, तो बिल्कुल भाई इसके टायर शायर उठ गए हैं, ट्रॉली भी भाई पहले सही चल रहा था, पीछे से आ गया यहाँ से, ये टायर टूर भाई यहाँ से आया पीछे से और साइड साइड से, तो यहाँ पे आके धस गया, धसने के बाद क्या हुआ भाई इसकी टायर भी अब उठ गए हैं, क्योंकि ट्रैक ट्रॉली भी धस गया और वेट भाई पीछे होने का, अब टायर भी उठ गए हैं, पहले थोड़ा थोड़ा उठ रहा था, एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई हम चला के, इसका लो का चौथा लगाएं भाई, ये देखो भाई और धसता जा रहा है ट्रैक्टर, और धसता जा रहा है, ठीक है तो ज़्यादा धसाएंगे नहीं क्योंकि भाई निकालना भी है ट्रैक्टर को, अपना ही ट्रैक्टर बंद हो गया, तो ऐसे भाई स्यापे पड़ते रहते हैं दिन पर दिन यार, इंडिकेटर कैसे जल गए इसके, तो भाई इसी वजह से यार दूसरा चैनल बनाया कि थोड़ा बहुत गुजारा हो भाई अपना, भाई जिसका तो यार छोटा चैनल है भाई वो तो मेरे ख्याल से दिन में तो भाई 1-2 रुपये ही कमाता होगा इंडिया का यार, अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं फिर तो चलो सही है, और व्यूज़ का रेट भाई गेमिंग वालों का बहुत ज़्यादा गंदा है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा भाई, मेरे चैनल को बस 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हो जाएंगे इस साल तक, फिर भी भाई 1 साल की एवरेज के हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा कम अर्निंग है, बहुत ज़्यादा भाई। आगे आपकी मर्ज़ी भाई, मैंने आपको सजेशन देना था दे दिया कि यूट्यूब पे करना, तो भाई पार्ट टाइम जॉब करो ना कि पर्सनल भाई अपनी जॉब रखो ये कि मैं यूट्यूब पे काम करूँगा, आगे आपकी मर्ज़ी, मैं किसी को भाई ये नहीं बोल रहा हूँ, गलत सलाह बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ भाई, चलो हम लोग तो भाई चलो फंस गए, अब क्या करें, अब यूट्यूब छोड़ भी सकते हैं, अरे यार इसको क्या हो गया, लग गया क्या, खुल गया यार ये तो, हाँ लगा है, ठीक है तो इसका भाई मैं बी कर देता हूँ भाई, इसका कर दिया, भाई वो पीछे वाला जोर ही लगा रहा है, गियर ही भाई इसका पता नहीं कौन सा लगा रखा है, चौथा लो लगाते हैं, ठीक है ये भाई ऐसे नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऑटोमेटिक पे नहीं चलेगा ये, दो ट्रैक्टर की जो टोच ऑटोमेटिक पे नहीं लगते, तो भाई मेरे दोस्त ने दिमाग खा लिया भाई, 4 दिन से यार बोल रहा था कि भाई इसका चौथा लो लगा दिया, और आज बताओ भाई क्वालिटी कैसी है गेम की, आज भाई इसका भी लगाएं चौथा लो, तो भाई बात ही नहीं बन रही है, ये देख लो भाई आपके सामने है यार, क्या बंदा करेगा बताओ, इसको बीमारी क्या पड़ गई, भाई क्या हो गया यार समझ ही नहीं आ रहा यार, एक बार फिर ट्राई करते हैं, इसका भाई लगाता हूँ 1 मिनट, चौथा मीडियम, अर्जुन का भाई लगाना पड़ेगा मीडियम का चौथा, ठीक है भाई मीडियम का चौथा लगा दिया, इसका मीडियम का चौथा, चलते हैं, लो भाई देख लो,
नहीं भाई बात बनेगी, एक और ट्रैक्टर जो घर से लाना पड़ेगा, ट्रक भी है भाई पर ट्रक किसी और का है अपना नहीं। अब जो ट्रैक्टर कौन सा है भाई अपना यहाँ पे, ये गाड़ी कौन, तो ये ऐसा करते हैं भाई नूर उपल वाला लेके चलते हैं अब, क्योंकि भाई अब रास्ता कोई है नहीं अपने पास। पहला है लाइट ही चल रही है क्योंकि भाई लाइटों का ही मूल है इसका। तो भाई ट्रॉली है जो काफ़ी वेट है यार, ये भाई स्यापे पड़ते रहते हैं यार दिन पर दिन। और भाई ये यार कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे भाई कितने का लिया, इंडिया में कहाँ से मिलेगा ये स्टीयरिंग व्हील। तो भाई इंडिया में शायद ही आपको मिले ये स्टीयरिंग व्हील, PXN B9 मॉडल है इसका। तो ये इंडिया में भाई मौजूद नहीं है, आपको ऑनलाइन बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा अगर कोई अलीबाबा जैसी वेबसाइट है। पर भाई मैं ये रेफर बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप अलीबाबा से मंगाओ, क्योंकि कस्टम वगैरह का भाई लफड़ा होता है वहाँ पे। कस्टम वगैरह आपको जब सामान आता है ना भाई, अगर हो सकता है कस्टम वाले आपको पकड़ दें, सामान आपका पकड़ दें और भाई इतने का सामान ही जितना आप कस्टम का चार्ज लगा दें, समझ रहे हो ना भाई। तो उस वजह से इंडिया में देख लेना भाई किसी बड़ी मार्केट में होगा यार। और ये PXN का B9 अभी बता रहा हूँ मॉडल, तो भाई ये मुझे यहाँ पे 7,000 रुपये में पड़ा है पूरा, 7,500 में टोटल। इंडिया में आपको 15,000 तक पड़ सकता है ये। और भाई बिल्कुल बढ़िया चल रहा है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आपके सामने है। और ये बिल्कुल भाई ये देखो अभी, ये जो एक मिनट आपको मैं भी दिखा दूँ, अब मैं स्टेयरिंग मोड़ूंगा बिल्कुल भाई ट्रैक्टर जैसा मुड़ता है गाड़ी से एक रोटेशन। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये देखो, ये देखो। अब मैं इससे कंट्रोल भी चेंज कर सकता हूँ भाई, ये बटन दबाया और ये भाई इतना ही मुड़ेगा, ये देखो, ये इससे ज़्यादा नहीं मुड़ेगा इसमें, मतलब कि 260 डिग्री और 900 डिग्री भी। ये देखो अगर कोई रेसिंग गेम है तो भाई आराम से खेल सकते हैं यहाँ से ये, ठीक है। अब मैं वैसे नॉर्मल रखूँ जो मज़ा आता भाई इसमें, ये देखो, ओके। तो अब आगे भाई हम नीचे, भाई जोर की बात नहीं यार, अब ट्रैक्टर है जो अब धस गए तो फिर भाई जोर क्या करेंगे यार, जोर की बात नहीं होती। अर्जुन में काफ़ी जोर है, 855 में काफ़ी जोर है भाई, कुन्नर में एक जोर है, पर अब दिक्कत कहाँ है कि भाई इसके टायर धस गए हैं तो फिर बंदा क्या करे। चलो तीन ट्रैक्टर निकाल के भाई अब निकल जाएगी अपनी ट्रॉली मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी है भी नहीं ये ट्रॉली। मीडियम का भाई, हाई का लगाओ चौथा, इसका गेड़ा थोड़ा कम है पीछे को, ओके। तो इसका भी भाई मीडियम का चौथा, तो भाई तीन ट्रैक्टर लगा रखे हैं फिर भी धस गए भाई दोनों तो भाई तीनों ही धस गए भाई। ट्राली क्या कैसे लगा रखी यार, फेवीबुक थोड़ी लगा रखी भाई इसमें। भाई क्या बन गया आज, हिल ही नहीं रही ट्राली यार, ये भी 855 ही फंसने को आ गया भाई। एक बार फिर ट्राई करते हैं, चौथा लो लगा के रखे भाई, हाई का पहला लगाएं, भाई मीडियम तक सही चल रहा है चौथे मीडियम में। ये भी गया भाई, ये भी फंस गया, इसका झटका मराते हैं भाई इसका हाई के पहले में।
ओ भाई ये नहीं निकलेगी आज, ट्रॉली लग रहा है बहुत ज़्यादा भाई, इसमें बेट है यार। तो भाई मुझे लग रहा है आज तक तो आज नहीं निकलेगी ये ट्रॉली, तो और ट्रैक्टर मंगाने पड़ेंगे भाई मुझे लग रहा है। देख ही सकते हैं भाई क्या हालत हुई है, ये देखो ट्रैक्टर के अगले टायर तो पिछले भी धस गए भाई, आगे वाले भी देखो। तो मुझे लग रहा है भाई एक और ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी हमें आपको। आयशा तो किसी काम का नहीं भाई, ये रह गया सिद्धू मूसे वाले का नाट गया ना, हद हो गई यार आज तो काफ़ी। इसको हटाएं यार पहले जो, ओके पीटीओ हटाओ भाई, ये निकालेगा ट्रॉली जाके। अब पता नहीं ये भी बंद ना हो जाए भाई यहाँ पे जाके। ये चलेगा मुझे लग रहा है भाई ट्रॉली खींचने। यहाँ से चलते हैं भाई, अब घास से निकलते हैं, रास्ता भाई लंबा है यहाँ से। अरे निकल गया निकल गया निकल गया, भाई मुझे लग रहा है यार खेत गीला है इस वजह से, पीछे से ट्रैक्टर आराम से निकल गया यार इस खेत में, मुझे लग रहा है गीलापन है भाई। क्योंकि यार यहाँ पे भाई हर ट्रैक्टर फंस रहा है, तीन ट्रैक्टर लगा दी भाई एक ट्रॉली नहीं निकली बताओ। ये तो मुझे लग रहा भाई मशीन लानी पड़ेगी मुझे, ट्रक भी पड़ा अपने पास कोई चक्कर वाली बात नहीं भाई, अगर नहीं काम होगा तो ट्रक ले आएंगे। ओके तीनों ट्रैक्टर लग रहा है भाई आज फेल हो जाएंगे चारों यार, ये लग ही नहीं रहा है। लग गया ओके, ये लग गया और मीडियम का चौथा। अरे यार भाई ये ट्रैक्टर में बताया नहीं मैंने आपको यार कि प्रॉब्लम है इसमें, इसका हेडर का कुछ ऑप्शन आता है आपने देखो यहाँ पे नो हेडर लिखा आ रहा था, इसका मतलब ये लगेगा नहीं भाई इसमें। कंबाइन भी भर चुकी है और भाई अपने पास 855 रह गया यार, इसको लेके चलते हैं जल्दी से। तो भाई सारी ट्रैक्टर चले गए, दो 855 थे वो भी अभी जा रहा है। तो मेरा यार दिमाग में बात भूल गई कि भाई उसमें हेडर का ऑप्शन आता है, पता नहीं क्यों अब आता है प्रॉब्लम, पता नहीं बता यहाँ पे यार। ये 855 मैंने बनाया था भाई, फुल मॉडिफाइड है। ओ ओ ओ तेरी, ओ भाई गलती से भाई मैंने रॉन्ग बटन दबा दिया और अपना ट्रैक्टर भाई खड़ा हो गया बिल्कुल। चल कोई नहीं सीधा हो जाएगा, हो गया जवान, चल जा चल 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 चल। भाई मैंने हॉर्न वाला बटन दबाना था, अभी तक भाई इतने ऑप्शन समझ नहीं आए मुझे। ये लाइटों के बीच है, ठीक है भाई लाइटों के है। इंडिकेटर
तो ये भाई कुछ ऑप्शन अपने गलत हो चुके हैं कंट्रोल के भाई। इसको तीसरे में लगाएं, भाग नहीं रहा ट्रैक्टर, अब भागा है। ये तो भाई किसी ने अभी तक कल्टीवेटर नहीं किया, तो निकल जाते हैं यहाँ से। तो नीशु दसवाल भाई कुछ नाम है, तो कमेंट में आपका आया था कि भाई उसका ट्रैक्टर बनाओ, तो वो बन रहा है भाई, आधा रेडी हो चुका है, 50% रहता है। तो इस छुट्टी में भाई इसको भी रेडी कर दूंगा, चक्कर वाली कोई बात नहीं भाई, चिंता ना करो, बस वेट करो कुछ दिन, ज़्यादा वेट आपसे करवाऊंगा नहीं भाई, समझ लो कि इस छुट्टी तक तो बना लूँगा। अब इसकी ये प्रॉब्लम ना आ जाए भाई, नहीं तो फिर इसका भी काम ख़राब है। हाँ भाई ये चल पड़ा है, सही है सही है, ये ज़बरदस्त भाई, इसका चौथा लगाएं। लो भाई तीनों से नहीं खींचे जा रही है ट्रॉली, बैठ गए बैठ गए बैठ गए बैठ गए, थोड़ा सा भाई इसने खींचा 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 है। 855 का गेड़ा, अरे हाय 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 भाई, इसका गेड़ा है ना जो थोड़ा सा कम है भाई, चौथे मीडियम है, ये अभी पीछे खींच रहे हैं भाई देखो। तो एक बार भाई स्क्रीन शॉट सा ले लें भाई इसका, ताकि जबरदस्त वाला। ओके तो भाई अब हम थोड़ा सा हिला है वैसे ट्रॉली देखी जाए तो। अरे यार इसका जूम आउट पता नहीं कहाँ से होता वो, ऐसे वैसे थोड़ा सा हिला है वैसे, ट्रैक्टर तो सभी फंस गए हैं। अब एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं इसका भाई, अब जो रहेगा ये फिर आके धस गया देखो। पहला हाई लगाते हैं भाई इसका 855 का, क्यों गेड़ा थोड़ा कम है इसका। कमाल है यार इनकी हाई का, पहला इसका भी लगा हुआ है ऑटोमेटिक भाई चेंज हो गया। इसका कौन सा लगा, इसका मीडियम का लगा भाई, इसका भी हाई का लगाएं क्योंकि कीड़े जो रल नहीं रहे हैं। ओके और इसका भी मीडियम का पहला लगा, इसका भी हाई लगाएं। ओके भाई अब सभी का हाई पहला है। भाई नहीं 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 यार, ये भाई अब पता नहीं कैसे निकलेंगे यार, इतना ट्रैक्टर लगा दिए भाई फिर भी निकल रही है ट्रॉली। एक मिनट भाई देखूं तो यार, मुझे लग रहा है भाई कि भाई ऐसे नहीं निकलेंगे, एक और ट्रैक्टर मंगाना पड़ेगा। एक बार लगा के देखते हैं जोर, इसका रिवर्स करके झटका लगाते हैं ट्रैक्टर, भाई घूम गए अपने। चल भाई चल 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 चल, भाई एक बार है ना ऐसा करता हूँ ना, जो जो ट्रैक्टर फंसे हैं ना इनको थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ।
ओके, ताकि भाई जोर पकड़ दूँ, ये भी फंसा हुआ है। ठीक है अब चलते हैं फिर से। ले गए भाई, ले गए ट्रॉली को, ले गए ओ भाई, ले गए ट्रॉली का। वो ऐसा करते हैं, चल नहीं देते हैं। अब एक गड़बड़ हो गई भाई मेरे से। अरे भाई एक गड़बड़ हो गई कि 855 का टायर नहीं घूमेंगे। हाँ अब सही है, क्योंकि ये फॉलो नहीं करेगा। ये तो कर रहा है ना फॉलो। ठीक है भाई अब सही है। 1 2 3 चलो चब लो मेरे शेरों। अर्जुन मुझे फॉलो नहीं कर रहा भाई। तो अब भाई रोकेंगे नहीं, सड़क तक ऐसे ले जाएंगे, नहीं तो भाई फिर से काम खराब हो जाएगा। तो ये रास्ता यहाँ से घुमा लेते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे आके फिर फंस गए। एक मिनट यार, तो यहाँ पे भाई फिर दम तोड़ दिया इसका भाई। ओके 1 2 3 चल 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 चल, ले गए बैठ गए। ओके तो भाई इनको फंसने नहीं देना है। 1 2 3 चल पड़ी भाई, अब नहीं रोकेंगे। गलती से रोक दी पहले भी। भाई इस पे हेल्पर लगा के देखें, अगर लगता है इस वक्त हूँ मैं कहाँ, तो अपना घर नहीं, हेल्पर नहीं लगेगा। ऐसी मुसीबतों में भाई हेल्पर भी साथ नहीं देता है। हेल्पर का ये कि भाई थोड़ा सा उसको तजर्बा हो जाता है। भाई अपना जो अर्जुन उठता ही जा रहा है, पीछे उठता ही जा रहा है, क्योंकि वेट उस पर है सभी। तो बस रोड पे आने वाले हैं हम। अब तो जो मर्जी करो अब नहीं निकलता भाई। ओके भाई आ गए सड़क पे, अब तो ले जाएगा अर्जुन अकेला ही। ठीक है फिर भाई आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टॉर्च छुड़ाने में टाइम लग जाएगा, अब तो अर्जुन ले जाएगा भाई। हाँ भाई खींच रहा है वैसे, देखो ये अब तो खींच लेगा, बस ये भीड़ का इंतजाम करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में बताओ भाई। आज की वीडियो में लग गया टाइम टॉर्चर निकालने में। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो लेके, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।